नमस्कार प्रशिक्षकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। आशा करते हैं कि आप सभी लोग बहुत ही बेहतरीन होंगे। और एक चीज़ दिमाग में लेके चलना है कि हम यह जो हम लोग का मैराथन है वो एक भी मैराथन छोड़ना नहीं है। और जो बच्चे कह रहे हैं कि सर साइंस कभी कराइए, भाई साइंस कभी क्यों नहीं होगा, साइंस का एक बार मैंने बेसिक करा दिया है। अगर आप सभी को नहीं मिल रहा है तो प्ले लिस्ट में आ जाइए या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर सारे लिंक दिए गए हैं। DLED थर्ड सेमेस्टर मैथ कम्प्लीट है ना, पूरा का पूरा कंप्लीट है। जो यह वीडियो जा रहा है जहाँ पे, वही आपके पास है, सबसे ऊपर ही दिख जाएगा। जैसे प्लेलिस्ट में आएंगे ना, सबसे ऊपर ही दिख जाएगा ये वाला। तो उसमें जब नीचे स्क्रॉल करेंगे आप ना, तो आपको दिख जाएगा कि DLED थर्ड सेमेस्टर, DLED फर्स्ट सेमेस्टर, DLED सेकेंड सेमेस्टर, सुपर टेट, यूपी टेट, सी टेट का पूरा एक लाइन में सीरीज है। तो उसमें आप ढूंढ सकते हैं। मैंने एक बार अच्छे से साइंस और SST कंप्यूटर सब पढ़ा रखा है। यह तो बस एक तरह से कह लीजिए कि फटाफट चीज़ें हैं जो कि आपके सामने से गुजर रही हैं। यहाँ से क्वेश्चन अगर इतना भी पढ़ लेते हो तो भी 18, 19, 20 नंबर आपका निश्चित आने वाला है। कभी कभी 25 भी आ जाएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो यही चीज़ें हैं जो बच्चे पढ़ रहे हैं, बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे हैं बेसिक क्लासेस जो मैंने पिछले पढ़ा के रखे हुए हैं। तो साइंस का भी कराएंगे, घबराइए मत। साइंस का एक दिन में ही मैराथन में ख़त्म करूँगा, जितने भी क्वेश्चन हैं सारे के सारे ले लूँगा, ठीक है ना। और प्लस इसी तरह SST का भी एक दिन में ख़त्म कर देंगे, ठीक है। तो चलिए चीज़ें हमारे ऊपर छोड़िए, आप इसको शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा। आपकी संख्या बहुत कम रहती है, बस इस बात का थोड़ा सा दुख होता है, नहीं तो फिर किस बात का दुख। चलिए हम लोग आ जाते हैं चैप्टर नंबर 11 तक हमने ख़त्म कर लिया था। चैप्टर नंबर 12 में हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज खुल जा भैया, क्योंकि एक्सरसाइज से ही हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन को। और बाकी की चीज़ें आप, तो चलो आ जाओ एक्सरसाइज। आज एक्सरसाइज पे, एक्सरसाइज में देखिएगा, जैसे कि पहला क्वेश्चन है आपका दिया गया है चैप्टर नंबर 12 में, यक्स स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 3 और प्लस में क्या करना है आपको, भाग लगाएं किसका भाई, यक्स प्लस 1 का, यक्स प्लस 1 से भाग लगा दें। क्वेश्चन नंबर दूसरा, यह आपको पता होगा जब मैंने PYQ कराना स्टार्ट किया था 16 से लेकर 21 तक का कंप्लीट करा दिया है फिलहाल में मैराथन के जस्ट पहले। तो हमने हर सेट में इस क्वेश्चन को पाया था भाई, मिला था ना क्वेश्चन, हर सेट में एक क्वेश्चन मिला था कि नहीं। तो बस यही चीज़ें हैं, आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया गया जो भी चीज़ें हैं और जो चीज़ बताई जा रही हैं आप उसको ध्यान से लीजिए। एक्स के पावर 4 प्लस में 3x स्क्वायर प्लस में एक्स से भाग लगाना है, एक्स से, एक्स से भाग लगाइए। क्वेश्चन नंबर तीसरा, 25 एक्स क्यूब वाई के पावर 5, इसमें भाग लगाना है किसका भाई, 5xy का। और जो बच्चे कहते हैं सर धुंधला दिख रहा है, भाई आपके सारे बच्चे तो नहीं बोलते, एक दो बच्चे बोलते हैं धुंधला अगर दिख रहा है तो आपको YouTube पे एक तरह से दिया गया है सुविधा, आप उसको फॉलो करिए ना, आप वहाँ से जाकर साफ करिए चीज़ों को। 360 पे देखिए, 720 पे देखिए, विजुअलिटी अपना सही कर लीजिए अपने यूट्यूब से, ठीक है ना। इसमें यह पहला हो गया, दूसरा क्या है, 12 ए के पावर 8 बी के पावर 8 डिवाइड बाई माइनस में 6 ए के पावर 6 बी के पावर 4, ठीक है ना, इसको आपको करना है। और क्वेश्चन लिखते हैं फटाफट, है ना। चलिए इस वाले क्वेश्चन को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, 9x स्क्वायर वाई स्क्वायर 3z माइनस में 24 डिवाइड बाई 27 एक्स वाई इंटू जेड माइनस 8, इसको डिवाइड करना है भैया। आगे चलते हैं, इसी प्रकार का सेम क्वेश्चन और लेते हैं, 96 ए बी सी इंटू 3a माइनस में 12 इंटू 5b माइनस 30 इंटू 5b माइनस 30 अपॉन में 108 इंटू ए माइनस 4 इंटू बी माइनस 6, इसको सॉल्व करिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, 52 एक्स वाई जेड जेड प्लस एक्स सॉरी जेड प्लस वाई जेड प्लस एक्स जेड प्लस वाई और एक्स प्लस वाई, इसको डिवाइड कराना है किससे, डिवाइड कराना है इसको 26
एक्स वाई अपान में वाई प्लस जेड इंटू एक्स प्लस जेड, इससे कराइए डिवाइड। इतने क्वेश्चन पहले करते हैं फिर इसके बाद आगे चलते हैं, एक बार और लिखते हैं बोर्ड पे ना। चलिए एक ही क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही आसान सा है, सिर्फ इसको क्या करना है आपको x प्लस वन यहाँ पर लिखना है, दूसरे में x स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 3 देना है, बस डिवाइड करते चलिए। देखिए भाई यहाँ पे x स्क्वायर यहाँ पे x है तो कितनी बार जाएगा, x बार जाएगा, x बार जाएगा, x से x का मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर, x में 1 का करेंगे तो x आएगा, तो यहाँ पे माइनस यहाँ पे माइनस, यह खत्म खट्टम कुट्टम हो गया भैया। दो x में से x जाने वाला है तो x बचेगा और प्लस में 3 बचा हुआ है तो 3 उतार लीजिए। अब कितनी बार जाएगा, अब बार तो जाने वाला नहीं है भाई, अब नहीं जाएगा ना, अब कहाँ जाने वाला है, तो जो x प्लस 3 है ना यही आपका क्या है शेषफल है रिमाइंडर, और जो x है ना ये आपका क्या है क्वेसेंट यानी भागफल है। बताओ क्लियर है, चीज़ें क्लियर हैं, अब नहीं जाने वाला है तो इतना ही बचेगा। ठीक है बच्चों चलिए आगे चलते हैं, कहीं गड़बड़ तो नहीं हो रहा है ना भाई, सही है। देखिए नेक्स्ट देख लीजिए, x के पावर 4 प्लस में 3x स्क्वायर प्लस में x अपान में x से भाग लगाइए। देखिए उस सब में ऊपर वाले में सब में x कॉमन है, x कॉमन कर लेंगे तो बचेगा x क्यूब यहाँ पे, और यहाँ से एक x निकलेगा तो 3x और यहाँ पे प्लस का 1 बचेगा, यहाँ पे x है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं यहाँ से x गायब किए तो 0 बचा दिए, भाई x गायब किए तो 1 बचेगा वहाँ पे, 0 कहाँ से है, तो ये चीज़ें दिमाग में रखना है ना। तो आगे आपका उत्तर कितना आ जाएगा, x की पावर 3 प्लस में 3x प्लस में 1, ये आपका आंसर होगा। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इसको हमने इरेज कर दिया भाई। देखिएगा 25 x क्यूब y के पावर 5 अपॉन में 5xy। अब देखिए यहाँ पे भी एक्स वाई है, यहाँ 5 है, यहाँ पे 25 है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 525 को 5 इंटू 5 और एक्स वाई यक्स इंटू वाई भी लिखा जा सकता है। जब यहाँ से एक यक्स आपने यहाँ पे लिख लिया तो बचा कितना, यक्स यक्स के पावर 2 बचेगा भाई, और यहाँ पे वाई का एक आपने निकाल लिया तो वाई के पावर 4 बचेगा, बताओ बचेगा कि नहीं बचेगा। और नीचे क्या जाने वाला है भाई, नीचे तो है ही 5xy, तो 5 से एक 5 गया, x से एक x चला गया, y से एक y चला गया, तो आंसर क्या आ गया, 5 बचा है और x स्क्वायर y के पावर 4 बचा है। क्लियर है, बताना ज़रा आप इसको लगाइए भाई। चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं बच्चों, अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें दो क्वेश्चन है, वैसे चार क्वेश्चन था तो हमने दो लिया है, दो छोड़ दिया, अगर आप इतना भी कर लेते हैं वो ईजी है, इसे सॉल्व कर लेंगे। चलिए आ जाइए, देखिए हम छोड़ने वाले किसी भी क्वेश्चन को नहीं है, किसी भी वैरायटी को नहीं है, लेकिन हाँ बहुत ज़्यादा अगर आ जाए जैसे कि 4+5 6+7 8+10 तो हम आपको जोड़ सिखा दिए, 10-15 क्वेश्चन करा दिए, अब जो बचा है तो खुद नहीं कर सकते क्या, या फिर नहीं भी करोगे तो भी एग्जाम में आएगा तो भी आप उड़ा देने वाले हो। डाटा चेंज हो सकता है, 28 की जगह 29 दे सकता है, 26 दे सकता है, 47 दे सकता है, लेकिन क्वेश्चन की वैरायटी कभी चेंज नहीं होगी, ये आपका मेरा दावा है भाई, सच बता रहा हूँ आपको। यूपीटेट का भी ऐसे ही पढ़ाऊंगा, पढ़ाया भी हूँ पूरा कंप्लीट, जैसे डीएलएड दे ले तो आ जाओ यूपीटेट पे, टूट पड़ो बिल्कुल अच्छे से। देखो इसको काटिए, 17 कहाँ, 7 × 4 = 28 और 7 × 1 = 7×2 = 14, सही है, ठीक है भाई। और यहाँ से 4 × 4 = 4 × 3 = 12, ठीक है भाई। यक्स एक एक यहाँ से कटेगा तो एक्स के पावर 3 आएगा, तो अब कितना बचा, ऊपर बचा एक्स के पावर 3, नीचे कितना बचा, 3 बचा, तो ये आपका आंसर होगा, ठीक है भाई। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, 12 ए के पावर में 8 बी के पावर में 8, अगर कोई भी क्वेरी हो आपका ना तो आप वीडियो ख़त्म होने के बाद किया करिए, तो ही मैं देख पाऊँगा, अन्यथा कंडीशन में ऐसे कर देंगे तो वह वीडियो ख़त्म होने के बाद आपके कमेंट भी विलुप्त हो जाते हैं, दिखते नहीं हैं। देखिए इसको देखिएगा, यहाँ ए के पावर 6 यहाँ पे ए के पावर 8 है, तो पहले इसको मैं बना लेता हूँ भाई, 6 × 2 में मैंने बना लिया भाई, यहाँ पर मैंने बना लिया ए के पावर 6 बी के पावर 4, यहाँ से जब मैंने ए के पावर 6 लिखा तो बचा क्या है, ए के पावर 2 बचा है ना भाई, यहाँ पे बी के पावर 4 लिख लिया तो क्या बचा है, बी के पावर 4 बचा भी तो है, नीचे क्या बचा है, जब मैंने यहाँ पे देखा तो -6 है, यहाँ पे ए के पावर 6 है और यहाँ पे क्या है, बी के पावर 4 है, तो अब देखिए ए के पावर 6 से बी के पावर 4 से 6 चला गया तो क्या, ये जो माइनस है स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होता है, ऊपर चला जाता है, तो -2 a² b^4 आपका आंसर यही है भाई, ठीक है ना, क्लियर है। चलिए इस क्वेश्चन पे आ जाइए भाई, देखिए
क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने हैं, जितना ज़्यादा कर सकते हैं करिए, और हमारा काम है जितना मैं करवा रहा हूँ वो तो करना ही करना है आपको। ये तो एक भी नहीं वीडियो स्किप करना ही नहीं आपको। एक्स स्क्वायर वाई का स्क्वायर इंटू थ्री जेड माइनस में 24। बच्चों आगे देखेंगे तो यहाँ बचा क्या है नीचे 27 एक्स वाई जेड माइनस 8। तो सिंपल सा क्वेश्चन, इसमें भी यहाँ पे 9 है ना, तो 9 इसको एक्स वाई में कन्वर्ट करिए, एक्स वाई ठीक है, और जो एक्स वाई बचा उसको दूसरे में लिखिए एक्स वाई भाई। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को हमने इस प्रकार से लिख दिया, क्लियर है। अब यहाँ से 3 आप कॉमन कर सकते हैं, 3 देखिए 3 कॉमन करेंगे तो इंटू 3 जैसे आपने कॉमन किया, यहाँ बचा जेड, यहाँ बचा माइनस 8, माइनस का 8 अपॉन में क्या बचेगा 27 को क्या लिख सकते हैं 9 इंटू 3 लिख सकते हैं, 9 3 27 इंटू एक्स वाई क्या बचा है जेड माइनस 8 ठीक है। जेड माइनस 8 से जेड माइनस 8 कैंसिल हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 9 से 9 कैंसिल हो गया, एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल हो गया, बचा क्या नीचे तो कुछ नहीं बचा, ऊपर क्या बचा भाई सिर्फ और सिर्फ एक्स वाई बचा, क्या बचा आंसर आपका एक्स इंटू वाई, यह आंसर आपका सही होगा ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। देखिए बच्चों 96 ABC है, 96 ABC यानी कि 12/96 होता है, 12/96 ठीक है ना, ये हमने लिख दिया ABC, तो ABC हमने लिख दिया, क्या बचा है भाई देखिए यहाँ से आपने 3 कॉमन कर लेना, यहाँ से 3 कॉमन कर सकते हैं कि नहीं बताओ, 3 कॉमन कर सकते हैं ना, 3 कॉमन कर लेंगे तो क्या बचेगा A बचेगा माइनस का 4 बचेगा, यहाँ से आप 5 कॉमन कर सकते हैं, क्या कॉमन कर सकते हैं 5, जैसे आपने 5 कॉमन किया तो B माइनस 6 बचेगा, 6 5 30 होता है, नीचे क्या बचा है देखिए 108, 12/9 क्या होता है 108 होता है, तो 12 × 9 कर लीजिए आप, 9 को क्या लिख सकते हैं 3 × 3 लिख सकते हैं ठीक है ना, इंटू अब देखिए a माइनस 4 इंटू b माइनस 6। कभी कभी बच्चे इस बात से भी कंफ्यूज होते हैं कि सर यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या होगा, यहाँ पे कुछ नहीं तो इंटू है, दिमाग में रख लेना, 12 से 12 गया, 3 से 3 चला गया ठीक है। अब देखिए a-4 यहाँ पे a-4 से चला गया, b-6 से चला गया, बस 8 का गुणा 5 में कर लीजिए तो 8 5 40 ABC क्या बचेगा ABC, ये आपका आंसर है बच्चों ठीक है ना। एक मिनट, 3 नीचे भी तो है, एक 3 नीचे भी बचा है, सॉरी एक 3 बचा है नीचे, तो ये आ जाएगा आपका आंसर ठीक है ना, एक 3 बचा है, ध्यान से करना है भाई। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं, देखिए भाई 26 × 2 क्या होगा 52 होगा, एक्स वाई से एक्स वाई चला गया ठीक है, वाई प्लस जेड से वाई प्लस जेड चला गया, कहाँ है यहाँ पे है, एक्स प्लस जेड से एक्स प्लस जेड चला गया, क्या बचा 26 × 52 एक्स वाई से एक्स वाई चला गया, और जेड प्लस एक्स वाई प्लस जेड से वाई प्लस जेड चला गया, एक्स प्लस जेड से एक्स प्लस जेड चला गया, तो ऊपर क्या बचा है सिर्फ और सिर्फ जेड बचा है, टू जेड बचा है, और एक्स प्लस वाई बचा है भाई ठीक है ना। बाई मिस्टेक अगर कोई चीज़ें हम स्किप कर देते हैं छोड़ देते हैं तो इसका आप अन्यथा नहीं लेंगे ना, क्योंकि हो सकता है मैंने देखा ना हो जल्दबाजी में। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट पे देखते हैं भाई, देखिए अब चीज़ें आपका थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल आएंगी है ना, आपको ध्यान से देखना है बच्चों। देखिए पहला क्वेश्चन है कि भाई 6x^5 माइनस में 28x³ प्लस में 3x² दो करवाएंगे, दोनों अच्छे समझना बस, 30x माइनस में 9 इसको डिवाइड करना है किस से, 2x² माइनस 6 से। एक और क्वेश्चन करते हैं जो कि बहुत ध्यान से समझिएगा, थर्टी फोर एक्स माइनस में 22x³ माइनस में 12x⁴ माइनस में 10x² माइनस में 75 इसको डिवाइड करना है किससे, डिवाइड करना है 3x + 7 से। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, बोला गया है कि x प्लस सिक्स जो है ना, क्या x² माइनस में 42 का एक गुणनखंड है, का एक गुणनखंड है ऐसे अगर क्वेश्चन आते हैं तो कैसे करेंगे आप सभी। चलिए हम थोड़ा सा इंक डाल लेते हैं, लगाइए स्टार्ट करिए लगाना।
आप सभी के लिए बस आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा बेस्ट, एकदम बेस्ट क्वालिटी वाला, तुरंत जैसे आप डीएलएड दे लेते हो ना, आपके लिए यूपी टेट हो सकता है पहले पहले ही मैं स्टार्ट कर दूं। तो यूपी टेट के सभी लेक्चर तो नहीं, खैर आपके जो मैथ हैं और प्लस सामाजिक अध्ययन है, जो सीडीपी है, यह सब सारी चीज़ें, ईवीएस है, तो ईवीएस और ख़ास करके मैथ, ये दोनों मैं बहुत अच्छे से तैयार करा दूँगा आप सभी का, जिससे आप सुपर टेट के लिए भी तैयार हो जाएंगे ना। चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन को करते हैं। देखिए 2x² - 6, 2x² - में 6 से भाग लगाना है, 6x⁵ माइनस में 28x³ और प्लस में 3x² प्लस में 30x और माइनस में 9, भाग लगाइए भैया। अगर यहाँ पर 2x² है तो कितनी बार जाना चाहिए, कितनी बार जाना चाहिए भाई बताओ, कितनी बार जाना चाहिए? तो आपको पता है यहाँ पे 2x है, यहाँ पे 3 लाना है, 3 × 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो 6 बनेगा, पहले तो 3 और x² यहाँ पे x⁵ लाना है तो x³, तो 3 × 6 x⁵ और 3 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 6³ = 18 x³ माइनस प्लस, ये कैंसिल होगा भाई, देखो 18 बड़ा है कि 28, 28 बड़ा है तो माइनस साइन होगा 28 वाले का, 28 में से 18 जाएगा तो 10 x³, यहाँ पे 3x² प्लस में 30x माइनस में 9, उतार लीजिए। अब कितनी बार जाएगा भैया, पहले तो माइनस है तो माइनस बार जाने वाला है, कितनी बार है यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 10 है तो 2 × 5 = 10 होता है, तो 5 बार यहाँ पे x², यहाँ पे x³, तो x बार जाने वाला है, तो 2 × 5 = 10 माइनस का 10 x³। अब इस माइनस का इस माइनस में होगा तो माइनस माइनस प्लस, 6 × 5 = 30x, 30x होगा, इससे होगा, अभी यह मत देखना भैया इससे होगा, नहीं इस वाले से होगा ना, देखिए प्लस साइन चेंज करिए, ये कैंसिल हुआ, यदि कि 30x, ये भी 30x तो कैंसिल हो गया, तो क्या बचा भाई, 3x² बचेगा, यहाँ पे माइनस का 9 बचेगा। भाई देखिए यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, तो कितनी बार जा सकता है भाई बताओ, तो यहाँ प्लस है तो प्लस 2 3/2 बार जाएगा, 3/2 से मल्टीप्लाई कराएंगे 2 में तो 2 कट जाएगा, बचेगा 3x², तो यहाँ पे आ जाएगा 3x². अब इस 3/2 का जब इसमें कराएंगे तो 2 × 3 = 6, 3 × 3 = 9, माइनस का 9 आ जाएगा, तो यह माइनस या प्लस कैंसिल हो गया, रिमाइंडर 0 बचेगा। और जो आपका क्वेश्चन है 3x³ भागफल जो है 3x³ माइनस में 5x और प्लस में 3/2 आ जाएगा, क्लियर है? देखिए बहुत ही आराम आराम से, बहुत तेज़ी से भी हम नहीं चल रहे हैं आपके सामने कि भाई आपको लग जाए कि नहीं सर बहुत तेज़ी से भाग रहे हैं, सर सिर्फ फॉर्मेलिटी पूरा कर रहे हैं, नहीं भाई आप बिल्कुल इस चीज़ से, इस चीज़ को तो कभी सोचिएगा मत कि हम सिर्फ फॉर्मेलिटी पूरा करते हैं। हमारा देखिए जो आदमी का होता है ना कि भाई पसंद है आदमी को, बहुत अच्छे से करता है वो काम, तो मुझे पढ़ाना इतना ज़्यादा मज़ा आता है ना, सच बताएं अगर कोई और आदमी रहता पर्सन होता है इतने पे छोड़ के चला जाता कि भाई एक दिन लाता क्लास, एक दिन नहीं लाता, आपकी संख्या नहीं बढ़ती है, लेकिन मैं सिर्फ इस बात से लाता हूँ क्लास कि हमें पढ़ाना पसंद है, बच्चे पढ़ें या ना पढ़ें। अब देखिए एक चीज़ ध्यान से गौर से फरमाइएगा, यहाँ पे x⁴, यहाँ पे x³, यहाँ पे x² यहाँ पे है, तो रैंडमली है, तो पहले हम इसको क्रम में कर लेते हैं, माइनस साइन के साथ, साइन क्या है, माइनस में 12 x⁴ है सबसे बड़ा वाला, फिर उससे छोटा क्या है, माइनस में 22 x³ है, फिर उससे छोटा क्या है, माइनस में 10 x² है, फिर उससे छोटा क्या है, उससे छोटा क्या है भाई, एक मिनट, उससे छोटा क्या है 6, एक मिनट, 34x प्लस में 34x है, उससे छोटा क्या है, माइनस में 75। चलिए भाई इसको सॉल्व करिए, इसको सॉल्व करिए, काटिए भाई किससे, 3x + 7 से, कितनी बार जाएगा, सबसे पहले माइनस है तो माइनस जाएगा, 12 है यहाँ पे 3 है तो 4 जाने वाला है, यहाँ पे x⁴, यहाँ पे x, तो x³ जाने वाला है, ठीक है, इसका इसमें गुणा कराएंगे तो माइनस में 12 x⁴ हो जाएगा, इस माइनस का इसमें गुणा कराएंगे तो सॉरी 7 × 28 माइनस में 28 x³। अब देख सकते हैं आप यहाँ पे क्या होगा, साइन चेंज करिए, ये वाला कैंसिल होगा, 22 में से 28 जाएगा, 28 वाला प्लस है तो प्लस का साइन होने वाला है, 28 में से 22 जाएगा तो 6x³, यहाँ पे माइनस 10x² प्लस में 34x माइनस में 75, 6x³ है, यहाँ पे 3x है तो जाहिर सी बात है प्लस जाएगा और 2x² बढ़ जाने वाला है, 2x² का इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x³ होने वाला है, 2x² का जब 7 मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 × 14x² होने वाला है, ठीक है भाई, यहाँ पे माइनस यहाँ पे प्लस, ये वाला कैंसिल होने वाला है, 10x² यहाँ पे प्लस 14x², 14 में से 10 जाएगा तो प्लस का साइन बड़ा है तो प्लस का 2 प्लस का 4x² आ गया, ठीक है, प्लस लगाइए चाहे मत लगाइए बात से में, तो 4x² यहाँ पे क्या बचा, प्लस में 34x माइनस में 75, ठीक है भाई।
अब इसको आप फिर से क्या करेंगे, कितनी बार जाने वाले हैं आप, 4x² यहाँ पे 3x है, तो जाहिर सी बात है कि 4/3 बार जाने वाला है, प्लस का 4/3, तभी तो 3 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 4, और यहाँ पे x है तो यहाँ पे 1x बार और जाने वाला है, तो 4/3 x का जब मल्टीप्लाई कराएंगे 3x में, तो 3 कट जाएगा, 4x का मल्टीप्लाई x में होगा, तो 4x² आ जाएगा, कितना आ जाएगा 4x², और यहाँ पे कितना आ जाएगा 4/3 का, जब इसे मल्टीप्लाई कराएंगे 7 × 28, 28/3 3x प्लस में 28/3 3x। अब इसको माइनस करा लीजिए, माइनस माइनस ये कैंसिल हो गया, अब देखिए 34 है यहाँ पे 28/3 है, तो 34x 34 में से 28/3 माइनस कराएंगे, तो 3 × 12 को 2 हाथ में आए, 3 × 9 = 10 में से 28, 3 × 12 को 2 हाथ में आए, 1 × 9 = 10, तो 26 जाएगा 100 में से, तो कितना बचेगा 26, अगर 20 गया तो 80 बचा, 80 में से 6 गया तो 74 बचेगा, यानी कितना बचेगा प्लस का 74, क्योंकि ये वाला बड़ा है ना, तो 74x माइनस में 74/3 बेटा 74/3 और 75, ये आपका रिमाइंडर आ जाएगा, ठीक है ना। अगर आप देखना चाहें तो अभी भी जा सकता है, कितनी बार जाएगा 74 बार में जाने वाला है, देखिए कट जाएगा 74 बार जाएगा, कितनी बार जाएगा प्लस का 74 बार, प्लस का 74 बार जाएगा, प्लस का 74 से जब इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे, एक मिनट बच्चों, यहाँ पे 3 है ना, तो 74/3 आना चाहिए ना, तो कितनी बार जाएगा 74/9 बार जाएगा, 74/9 बार जाएगा, 74/9 से जब इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे, देखिए 3x में 74/9 से मल्टीप्लाई कराएंगे, 3 जा कट जाएगा, तो 74/3 x बचेगा कि नहीं बचेगा, तो इतनी बार, यानी कि 74/3 x। अब इसमें 7 का मल्टीप्लाई कराइए, 74/9 का 7 से, तो 7 × 74/9 मतलब 7 × 28 = 8, करी 2 × 7 = 49, 50 × 51 518/9, इतना आ जाएगा, कितना आ जाएगा प्लस का 518/9। बच्चों इसमें यह वाला साइन जब चेंज करेंगे तो कैंसिल होगा, तो क्या बचेगा, बचेगा क्या आपका, बचेगा यही बच्चों, देखिए माइनस में 75 है और माइनस में यह दोनों आंसर माइनस में आने वाले हैं, यानी कि दोनों को जोड़ दीजिए, 75 और माइनस 75 माइनस में 518/9, इसका गुणा कराइए, 9 × 45 = 5, कैरी 4 × 7 = 63 और 4 = 67 माइनस में 518/9, 8 × 5 = 13, 8 × 10 = 13 हाथ में है, 1 बच्चों, और 7 × 1 = 9 और 6 × 5 = 11 माइनस में इतना बटे 9 माइनस 1193/9 आएगा बच्चों, ये आपका रिमाइंडर बचेगा, कहीं मिस्टेक हुआ हो तो माफ़ी चाहते हैं, लेकिन ऐसे ही लगेगा क्वेश्चन, ठीक है, बताओ जरा सा, अभी तेज़ी से भागेंगे हम, क्योंकि बहुत तेज़ी से चलेंगे बच्चों, बहुत स्लो चल रहा है ना अभी, बहुत तेज़ी से चलेंगे, घबराओ नहीं, 4 चैप्टर तो आज भी ख़त्म करना ही करना है, 1 मैराथन और आ जाएगा, है ना, 4 मैराथन अच्छे से देख लेना है आपको, चलिए एक इस टाइप का क्वेश्चन देखिएगा जो यहाँ पे नीचे लिखे हैं, x − 6 x² − x − 42 का एक गुणनखंड है कि नहीं है, जब ऐसा बोले जैसे बोल दे आपसे 4 12 का गुणनखंड है कि नहीं है, तो इसको चेक करने के लिए आप क्या करेंगे, ये 4 अगर इसका गुणनखंड होगा ना, तो जाहिर सी बात है 4 इसको डिवाइड कर देगा, रिमाइंडर 0 देगा, जैसे अगर बोला गया 4 क्या इसका गुणनखंड है कि नहीं है, तो आपने आपको क्या करना है 12 को 4 से डिवाइड करा लेना है, तो कितना आ जाएगा 3, अगर पूरी तरीके से कट गया तो मतलब कि है गुणनखंड, नहीं तो नहीं है भाई, इसी तरह से इसको भी करेंगे हम लोग, इसको भी सेम ऐसे ही करेंगे बच्चों, x + 6 से क्या करेंगे भाग लगा लेंगे किस में, x² − x − 42 में, अगर पूरी तरीके से कट गया रिमाइंडर 0 आया मतलब कि गुणनखंड है उसका, अन्यथा नहीं है, चलिए x है तो x बार जाएगा, x² और x का मल्टीप्लाई इसमें, तो माइनस का प्लस का 6x, तो माइनस और यहाँ पे माइनस ये कैंसिल होगा, -6x और -x -7x हो गया, -42 बच्चों कितनी बार जाएगा, -7 बार जाएगा, तो 7x माइनस का 7x और 7 × 6 = 42 प्लस का माइनस का 42, तो देखिए कट गया पूरी तरीके से, यहाँ पे प्लस हो गया, यहाँ पे भी प्लस, कैंसिल हो गया, रिमाइंडर 0 आ गया, यानी कि आप लिख दोगे कि x² - x - 42 का गुणनखंड का एक गुणनखंड x + 6 होगा, ठीक है बच्चों, चलिए चैप्टर फिनिश हुआ, अगला वाला चैप्टर क्या है, अवर्गीकृत आंकड़े,
वर्गीकृत आंकड़े में आपको समांतर माध्य वगैरह समझना है, माध्यिका समझना है, माध्य बहुलक समझना है। तो चलिए पहले इसको समझ लेते हैं फटाफट, हम लोग फिर आगे चलते हैं ना। चलिएगा बच्चों, क्लियर हो गया? बताओ जरा सा, एक क्वेश्चन लेंगे समांतर माध्य, बहुलक और माध्यिका पहले समझ लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं ना। चलिएगा, देखिए पहले आपको ये क्लियर कर देते हैं हम कि माध्यिका किसे कहते हैं, माध्य किसे कहते हैं बच्चों। और देखिएगा, देखिए माध्य आपको समझना है, पहले बहुलक देखिए, बहुलक को इंग्लिश में कहते हैं मॉड, बहुलक को इंग्लिश में क्या कहते हैं, मॉड कहते हैं, मॉड कहते हैं। और एक होता है माध्यिका, बहुलक इसके बाद माध्य, पहले लिख लीजिए सब, माध्य होता है, माध्य को क्या कहते हैं बेटा, माध्य को कहते हैं मीन, सॉरी हाँ मीन कहते हैं, मीन कहते हैं। और एक होता है माध्यिका, माध्यिका को क्या कहते हैं, माध्यिका को कहते हैं मीडियन, क्या कहते हैं बेटा, मीडियन कहते हैं, मीडियन कहते हैं, ई होता है यहाँ पे, मीडियन होता है, ठीक है ना। अब देखिए एक मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ, जैसे मैंने मतलब एक साइड एक सीरीज लेता हूँ, जैसे मैंने बोला कि 3, 2, 4, 5 सीक्वेंस में ले लेते हैं, वैसे जो भी अगर माध्य कभी निकाल, अगर आपको माध्यिका कभी निकालना हो ना तो उसको पहले सीक्वेंस में ही लिखा जाता है, कोई भी सीरीज दिया रहा है तो मैं सीक्वेंस में ले लेता हूँ, 2, 4, 8, 12, 15, 18, 20, 21 मैंने ले लिया, इतना सा बड़ा सीरीज, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 4, 8 अंक का ना। एक मैं इसमें रिवाइज करा लेता हूँ, जैसे कि मैं एक रिवाइज करा लेता हूँ, 21 2 बार लिख लेता हूँ, ठीक है ना, दिख रहा होगा ना बच्चों, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा कट रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसको सही कर लेता हूँ। 21 को यहाँ पे न लिख के हम 21 को यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है ना, 21 भी है इसके आगे एक। तो अगर आपसे बहुलक पूछता है, बहुलक का मतलब कि जो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम टाइम रिपीट हुआ हो उस इक्वेशन में, तो हो जाता है बहुलक, यानी 21 क्या होगा, बहुलक होगा। लेकिन माध्य पूछता है तो माध्य का मतलब ये होता है बच्चों, जितना नंबर ऑफ पद होते हैं, नंबर ऑफ पद, नंबर ऑफ वैल्यू जितने होते हैं उन सबको ऐड करके डिवाइड बाई नंबर ऑफ, एक तरह से पद से डिवाइड कर देते हैं, मतलब कि संख्या कितनी है, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एक 9 पद हैं, अगर 9 पद हैं तो सबको पहले ऐड करते हैं, 2 + 4 + 8 + 12 + 15 + 18 + 20 + 21 + 21 इसको ऐड करने के बाद हम क्या करेंगे, 9 से डिवाइड कर देंगे बच्चों। ये आ जाता है आपका माध्य, जिसे हम कहते हैं मीन। अब माध्यिका देखिए, बहुत ही शॉर्ट मेथड भी हम बताएंगे इसको, यूपी टेट वाले में बताया भी है जो हमने कराया है, लेकिन यहाँ बेसिक लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। माध्यिका, माध्यिका के लिए देखिए दो फार्मूला होता है, अगर आपका सीरीज में जो नंबर है अगर इवन नंबर है, इवन संख्या में, जैसे कि 1, 2, 3, 4 इसको काउंट करेंगे तो 9 संख्या आए हुए हैं, कितने संख्या आए हुए हैं, 9। अगर 9 संख्या है तो 9 के 9 का मतलब ये हुआ कि विषम संख्या है, विषम ऑर्डर है, तो विषम में आए हुए हैं, मतलब कि विषम के आए, विषम में आए हुए हैं तो विषम के लिए फार्मूला अलग होता है, क्या होता है फार्मूला, एनवा पद प्लस में 1/2 कर देते हैं। एनवा पद का मतलब कि जितने पद हैं, कितने पद हैं, 21 पद हैं, सॉरी 9 पद हैं, 9 + 1 = 2 यानी कि 10/2 यानी कि 5वां पद, जो 5वां पद होगा वही उसका माध्यिका होगा, समझ गए, 5वां पद जो होगा वही उसका माध्यिका होगा। लेकिन अगर यही संख्या सम में आया होगा, आपको लगाना है ऐसे, ट्रिक में नहीं बता रहा हूँ क्योंकि ट्रिक की आवश्यकता नहीं है आपको डीएलएड में, अगर माध्यिका, अगर मान लीजिए यह सम में आया होता, अगर सम में आया होता तो इसके लिए फॉर्मूला लगाते हैं n/2 वहाँ पद प्लस में n/2 प्लस में 1वां पद पूरा के 2/2 करते, तो यहाँ पे ऐसे लग जाता। मान लेते अगर 8 ही संख्या आया होता तो यहाँ पे लिखता 8/2 वहाँ पद प्लस में 8/2 प्लस 1, तो 8/2 यानी 4, 4 × 5वां पद कितना आ जाता, 5वां पद, यहाँ पे 4था पद आ जाता, 4वां पद 2। बच्चों इसमें बहुत सारी गलती कर देते हैं बच्चे, 4, 5, 9/2 कर देते हैं तो 4.5 लिख के चले आते हैं, तो ये गलत है क्वेश्चन ना। आपको 4वां पद उसमें क्या है, सीक्वेंस में पहले लिखना है, बढ़ते क्रम में लिख लेना है, तो 4था पद क्या होगा 12 और 5वां पद 15 होगा, तो 12 + 15 को ऐड करेंगे, डिवाइड बाई 2 करेंगे, तो कितना आ जाएगा, 12 + 15 कितना होता है, 27 होता है, 27/2 कर लेंगे बच्चों, तो आ जाएगा 2 × 1 = 2, 3 × 6 = 2, 5 आपका आंसर हो जाएगा, समझ गए कि नहीं, हो जाए, समझे कि नहीं भैया, समझ गए ना। अब देखिए बहुत ट्रिक, बहुत अच्छी शानदार ट्रिक, अगर मान लीजिए यह चीज़ें यह नहीं दिया होता तो आपको सम में दिया है तो बस बीच वाले को क्या करते, दोनों को पकड़ लेते, ऐड कर देते और डिवाइड बाय 2 कर देते, अगर नहीं दिया है तो बच्चों, नहीं दिया है तो ठीक है ना, तो करते ऐसा कुछ है ना। तो ये चीज़ें हैं, बहुत सारे ट्रिक हैं। अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पे, एक एक क्वेश्चन ले लेते हैं। बताओ बच्चों क्लियर है, सारी चीज़ें क्लियर हैं, इसे कहते हैं अवर्गीकृत आंकड़े। हम आपको एक क्वेश्चन समझा देते हैं, समांतर माध्य कैसे निकालते हैं। देखिए हर सेट में आया था, मैंने वहाँ पे जब हम करा रहे थे आपको सीरीज,
तो हम बोले थे प्रीवियस ईयर पेपर कराते समय कि आपको मैं अच्छे से इसको जब मैराथन कराऊंगा तो समझाऊंगा। तो अब वह समय आ चुका है, अच्छे समझिएगा। यहाँ से एक क्वेश्चन आपको हर सेट में यह देखने को मिलेगा, निश्चित हर सेट में बच्चों। एक क्वेश्चन दिया गया है पद, एक क्वेश्चन दिया गया है पद, और एक दिया गया नीचे बारंबारता, बारंबारता, बारंबारता दिया गया है ना। आ जाइए, देखिए दिया गया है 4, 3, 6, 4, 8, 2, इसके बाद क्या दिया गया है 10, 2, इसके बाद 12 और 6, इसके बाद क्या दिया गया है 14 और 8, 14 और 8 दिया गया बच्चों, ये दिया गया है। आपसे बोला जा रहा है कि आप क्या निकालो इसका, आप क्या निकालो बच्चों इसका। इस चीज़ को मैं सीधा लिख लेता हूँ, यहाँ पे पद लिख लेता हूँ, यहाँ पे लिख लेता हूँ बारंबारता, बारंबारता, बारता बच्चों, है ना, जिससे कि मैं इरेज कर दूँगा अभी उसको। 4 का 3, 6 का बच्चों, 6 का कितना हुआ है 4 हुआ है, 8 का कितना हुआ है 2 हुआ है, 10 का कितना हुआ है बच्चों 2 हुआ है, 12 का कितना हुआ है 6 हुआ है, और 14 का कितना हुआ है 8 हुआ है। तो ये आपको क्वेश्चन दिया गया है आपसे, क्या पूछ रहा है, संचयी बारंबारता निकालने के लिए, मतलब माध्य, समांतर माध्य निकालिएगा, समांतर माध्य, समांतर माध्य आपको निकालने के लिए बोल रहा है। तो देखिए इसमें कुछ करना नहीं होता है, सिर्फ एक फार्मूला है, आप उसको अच्छे से ढंग से पढ़ लेंगे ना तो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है ना। देखिए आपको ये बारंबारता दिया गया है, इसको आप मान लेंगे बच्चों क्या, यक्ष मान लेंगे, कोई पद है जिसको यक्ष हमने मान लिया, इसको आप मान सकते हैं वाई, जेड, कुछ भी मान लीजिए बच्चों, इसको हम वाई मान लेते हैं। मान लीजिए बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर यफ ही क्यों मानते हैं बार बार, तो यफ जरूरी नहीं बच्चों, उस फंक्शन के लिए यफ मान लेते हैं, तो खैर ठीक है जो आप माने। अब यहाँ पे बच्चों क्या होता है, यक्ष वाई का मल्टीप्लाई आता है, जिसे हम कहते हैं क्या, संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता कहते हैं, जिसे यहाँ पे यक्ष वाई का मल्टीप्लाई आता है, यक्ष वाई का मल्टीप्लाई, तो 4 3 12 आ गया बच्चों, 4 3 12 आ गया। इस तरह से आप आगे करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, 4 6 24 आ जाएगा, 8 2 16 आ जाएगा, 10 2 20 आ जाएगा, 12 6 72 आ जाएगा, और 14 8 कितना आ जाएगा बच्चों, 14 8 112 आ जाएगा। तो ये आ गया। अब आपको करना क्या होगा बच्चों, इसको, इस डाटा को जोड़िए, इस डाटा को जोड़िए, इन दोनों को जोड़ना है हमें, इसको जोड़िए। तो 4 3 7 7 2 9 9 2 9 2 11 11 और 6 11 6 17 17 और 3 20 5 25 आ गया बच्चों, यहाँ 25 आ गया, ठीक है। इसे हम कहेंगे F, सॉरी Y कहेंगे, इसे हम क्या कहेंगे, Y कहेंगे। फार्मूला बता रहे हैं बच्चों, फार्मूला घबराइएगा, समांतर माध्य का फार्मूला क्या होता है मैं बता देता हूँ। समांतर माध्य का जो फार्मूला होता है बच्चों ना, वो होता है समेसन, वो होता है समेसन, इसे बोलते हैं सिग्मा, सिग्मा यानी समेसन बच्चों, ये इनफाइनाइट तक चलता है, इसको ऐसे ही लिख देते हैं यक्स वाई, समेसन यक्स वाई, मतलब कि एडिशन ऑफ यक्स वाई अपॉन में समेसन ऑफ वाई, बारंबारता जो होता है, बस ऐसे करना है। इसको ऐड करिए बच्चों, 2 2 4 6 4 10 4 14 2 16 को 6 करी 1 बचा, 1 1 2 7 2 9 9 1 10 2 12 12 2 14 1 15 को 5 आया, करी 1 1 2 256 आ गया। यानी कि जो एक्स वाई का ये समेशन है बेटा, ये 256 है, कितना है 256 है, और एक्स वाई वाला जो है बच्चों कितना है 25 है। इसको कैंसिल कर सकते हैं क्या, बिल्कुल करिए, पॉइंट में लाइए आंसर, 25 से कम 25, भाग नहीं गया 0, 25 दूना 50, बचा 10, बचा 10, 25 चौका 100, 10.24 आपका उत्तर होगा बच्चों, 10.24 होगा। बताओ यही एक समांतर माध्य है, यही प्रश्न हूबहू आएगा, बताओ इस चैप्टर से कोई भी दुविधा नहीं होने वाली है। अब आपको, आप सारे क्वेश्चन कर ले जाएंगे, बस आप आके प्लेलिस्ट से उस बेसिक क्लासेस को देख लेना जहाँ पे मैं इस क्वेश्चन को कराया हूँ। ये चैप्टर फिनिश माने, बताना बच्चों इस चैप्टर को फिनिश माना जाए, फिनिश माना जाए, फिनिश माना जाए बच्चों, बस समांतर माध्य ही पूछेगा आपसे, सिर्फ समांतर माध्य पूछेगा, समांतर माध्य आप आसानी से बता सकते हैं, बताना, नहीं तो कहिए एक क्वेश्चन और ले लें, जैसा कहें आप, जैसा कहें मानुभाव। चलिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं बच्चों, एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन और लेते हैं, ये तो लिखा रहने देते हैं, या तो का फार्मूला है ना, इसको लिखा रहने देते हैं लोग, समांतर माध्य, समांतर माध्य, ठीक है ना। चलिए आ जाइए क्वेश्चन लेते हैं, यह बोला गया है निम्नलिखित बारंबारता बंटन का समांतर माध्य निकालिए। तो ऊंचाई दिया है, एक तरफ ऊंचाई दिया है सेंटीमीटर में, और यहाँ दिया है बारंबारता, बारंबारता, ऊंचाई को हम लोग मान लेते हैं h से, बारंबारता को मान लेते हैं, मान लीजिए f से मान लेते हैं, तो यहाँ पे जो संचयी आएगा वो क्या आएगा, h इंटू f आएगा बच्चों ना,
देखिए ये दोनों डाटा आपको दिया है, ठीक है बच्चों। चलिए देखते हैं, देखिए डाटा क्या क्या दिया है, 142 दिया है पहला ऊंचाई, 142 दिया है। दूसरा कितना दिया बेटा, 142 तीन दिया है, 143, 144, 145, 146, 147, 145, 146, 147, यह डाटा दिया हुआ है आपको ऊंचाई का, ठीक है ना। ये ऊंचाई का डाटा दिया है बच्चों, ठीक है ना, क्लियर है चीज़ें। अब यहाँ पे क्या है, तीन के बाद है पाँच, सात, सात, तीन, दो, आपको यही बताना है। चलिए आ जाते हैं, मल्टीप्लाई करिए फटाफट, कोई दिक्कत नहीं है। तीन दूना छः, तीन दूना छः, तीन चौके बारह का दो, हाथ में एक, तीन एकम तीन, तीन चौके बारह का दो, हाथ में एक, तीन एकम तीन एक चार, पाँच तीन पंद्रह को पाँच, हाथ में एक, पाँच चौके बीस, एक इक्कीस को एक, कैरी दो, पाँच एकम पाँच दो सात बच्चों, सात चौक कितना होगा, सात चौक अट्ठाईस को आठ, कैरी दो, सात चौक अट्ठाईस दो तीस को जीरो, कैरी तीन, सात एकम सात तीन दस बच्चों, सात पचे पैंतालीस, सॉरी सात पचे पैंतीस, सात पचे पैंतीस को पाँच, कैरी तीन, सात चौक अट्ठाईस, अट्ठाईस दो तीस, एक इकतीस को एक, कैरी थ्री, और सात एकम सात तीन दस बच्चों, तीन छक अट्ठारह को आठ, कैरी एक, और तीन चौक बारह एक तेरह को तीन, कैरी एक, तीन छक अठारह को आठ, कैरी एक, तीन छक तीन चौक बारह एक तेरह को तीन, कैरी एक, तीन एकम तीन एक चार हो गया बच्चों। दो से गुणा करा लीजिए, दो सात चौदह को चार, कैरी एक, दो चौक आठ एक नौ, दो एकम दो, बस बच्चों सबको जोड़िए। देखिए सात सात पाँच तीन आठ, आठ दो दस, दस और दस बीस, सात सत्ताईस, यहाँ पे सत्ताईस आ गया, इसको जोड़िए फटाफट, आठ चार बारह कैसे जोड़ते हैं देखिए, एक हज़ार यहाँ पे बच्चों, एक हज़ार, एक हज़ार दो हज़ार हो गया, दो हज़ार और चार सौ, दो हज़ार चार सौ हुआ, दो हज़ार आठ सौ हुआ, दो हज़ार आठ सौ मान लीजिए, दो हज़ार आठ सौ, दो हज़ार आठ सौ में, दो हज़ार आठ सौ में अगर सात सौ जोड़ते हैं तो आठ आठ सोलह पंद्रह, यानी कि कितना आ जाएगा बच्चों, यहाँ पे सात अगर सौ जोड़ देते हैं तो जीरो जीरो, सात चौदह चार, तो मैं एक तीन, कितना आ जाएगा, चौंतीस सौ, एक कितना आ जाएगा बच्चों, एक मिनट, चौंतीस सौ पाँच, सात सौ चौदह पंद्रह, पाँच करिए एक, दो एक तीन, पैंतीस सौ आ गया। पैंतीस सौ में आपने क्या किया, दो सौ और जोड़ा, तो पैंतीस सौ में दो सौ और जोड़ेंगे तो तीन हज़ार सात सौ आ गया, तीन हज़ार सात सौ आ गया। अब बचा बच्चों यहाँ पे क्या, चौरानवे, चौरानवे और अड़तीस, चौरानवे और अड़तीस, चौरानवे और तीस पहले जोड़िए, चौरा पंद्रह पंद्रह तीस, तो चौरानवे, अच्छा चौरानवे के साथ छब्बीस जोड़िए, चौरानवे और छः कितना हो गया, सौ हो गया, सौ और एक सौ बीस हुआ, एक सौ बीस और यह वाला तीस, एक सौ बीस और तीस एक सौ पचास हुआ, एक सौ पचास और तीस एक सौ अस्सी हुआ, एक सौ अस्सी और दस, एक सौ अस्सी में आपको सोलह जोड़ना है, एक सौ अस्सी एक सौ छियानवे हो जाएगा, कितना हो जाएगा, एक सौ छियानवे यहाँ पर जोड़ दीजिए, मतलब कि तीन आठ नौ छः, तीन आठ नौ छः आ जाएगा, तीन आठ नौ छः बच्चों। इसको एक बार कलेक्शन फिर से करिएगा इसका, अगर कहीं मिस्टेक होगा तो माफ़ी दीजिएगा, चीज़ें ऐसे ही करना है। तो एक्स वाई का वैल्यू कितना आया, 3896 अपान में 27, इसको कैंसिल करिएगा, 27 से कैंसिल करके जो आएगा उत्तर आपका आंसर हो जाएगा बच्चों। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे। अगला चैप्टर क्या बेटा, आयतन अवधारिता, बहुत ही आसान सा चैप्टर है, बस इसमें समझना है संकल्पना क्या, आयतन अवधारिता का सिर्फ संकल्पना आपको देखना है, आयतन किसे कहते हैं, धारिता किसे कहते हैं, देखिए भाई सिर्फ समझना है, आयतन किसे कहते हैं चैप्टर नंबर 14 में, अवधारिता किसे कहते हैं, तो ये चैप्टर बहुत ही आसान सा है, समझ लेते हैं, हम सिलेबस से बाहर बिल्कुल नहीं जा रहे बच्चों, क्योंकि मेरा मन कर रहा है कि आपको सारे के सारे जितने भी आकृतियाँ 2D 3D होती हैं सब बता दें, तो इसके लिए आपको बेसिक क्लास थोड़ा सा विजिट करना पड़ेगा, वहाँ पर विजिट करिए। देखिए धारिता किसे कहते हैं, आयतन किसे कहते हैं बच्चों, आयतन का मतलब मैं कह दूँ कि आपके छत के ऊपर 1000 लीटर का, 1000 लीटर का आपको पहले यह समझ में आ जाना चाहिए, 1 मीटर क्यूब इक्वल टू क्या होता है बेटा, 1000 लीटर होता है, 1000 लीटर होता है, इस बात को याद रख लेना, 1 मीटर क्यूब इक्वल टू कितना होता है, 1000 लीटर होता है ना, समझ गए कि नहीं, तो इस बात को आपको याद रखना है। चलिए आ जाते हैं, अब मान लीजिए टंकी जो हमारे पास है 1000 लीटर का है, कितने का है, 1000 लीटर का है, इस 1000 लीटर के डब्बे में मैं कह दूँ 2000 लीटर पानी अगर डालना चाहूँ तो डालाएगा नहीं ना, तो अगर ये डब्बा 1000 लीटर का है, जो टंकी लगा है वह 1000 लीटर वाला ही तो है, उसमें 1000 लीटर ही तो पानी जाएगा, सिर्फ उससे ज़्यादा जाएगा नहीं जाएगा, तो उसमें 2000 लीटर डाल नहीं सकते, यानी कि 1000 लीटर सिर्फ जा रहा है, तो जो 1000 लीटर है ना भाई, यहाँ पे चूहा आ गए, चूहा महाराज, चलो भाई देखो 1000 लीटर जब पानी जा रहा है तो 1000 लीटर है इसमें सिर्फ, यह 1000 लीटर जो है बेटा यह इसका आयतन है, यह इसका आयतन है, 1000 लीटर उस डब्बे में पानी का जगह पूरा का पूरा जगह घेर ले रहा है, जैसे मैं कह दूँ एक लोटा है, एक लोटों में 1 लीटर ही पानी आता है, जब 1 लीटर पानी आता है तो 1 लीटर पानी जो है ना उस लोटे का आयतन है,
समझ गया कि नहीं, उस लोटे में अगर 10 लीटर पानी डालोगे तो नहीं आएगा, सिर्फ 1 लीटर ही पानी आएगा, तो वही उसका आयतन होगा। तो आयतन की संकल्पना मतलब कि जो आकृति, जिस आकृति का कोई वस्तु है, अगर उसी आकृति, अगर उस आकृति में जितने भी लीटर का है, जितने भी माप है उसका, उसी माप का अगर उसमें द्रव पदार्थ, सॉलिड पदार्थ है ना, कुछ भी आ जाए तो वही उसका आयतन होता है, जितना उसमें स्पेस होता है, ये चीज़। और धारिता क्या होता है बच्चों? धारिता का मतलब कि उसका सेप, सेप किस साइज का। जैसे पानी मैंने डाला टंकी में 1000 लीटर, तो मतलब एक लोटा मान लीजिए, एक लोटा मैं ले लेता हूँ, एक गिलास ले लेता हूँ, एक थाली ले लेता हूँ, एक एक लीटर सब मैं पानी डालता हूँ। जब मैंने थाली में डाला तो थाली के आकार का हो गया, जब मैं कुकर में डाला तो कुकर के आकार का हो गया, जब मैं लोटे में डाला तो लोटे के आकार का हो गया, जब मैं गिलास में डाला तो गिलास के आकार का हो गया। वही इसकी धारिता है। 1 लीटर पानी का धारिता अलग अलग होता है अलग अलग पात्र में बच्चों, यह धारिता होता है। समझ गए कि नहीं धारिता? चलो आ जाते हैं नेक्स्ट। बस यही था चैप्टर नंबर 14। अब इसके बाद बच्चों घन घनाभ की अवधारणा समझना, उसका आयतन और संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करना है। घन घनाभ चैप्टर नंबर 15, इकाई नंबर 15 में क्या करना है? घन घनाभ पढ़ना है और उसका आयतन और क्या करना है हमको, संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करना। देखिए घन क्या होता है आपको पहले मैं बताता हूँ। स्क्वायर बच्चों, स्क्वायर मतलब वर्ग, यह वर्ग है। वर्ग में जो संलग्न भुजा, इसे संलग्न एडजेसेंट ज्वाइंट कहते हैं, एडजेसेंट साइड कहते हैं, संलग्न भुजा कहते हैं, जो यहाँ पे बने होते हैं, 90-90 डिग्री का होता है, 90-90 डिग्री का, कितने का? 90-90, सब 90 के होते हैं। और ये डायगोनल होता है, जिसे विकर्ण कहते हैं, दो विकर्ण आपस में जो काटते हैं वर्ग में, बेटा 90-90 के अंश पे काटते हैं, 90-90 डिग्री पे काटते हैं। चार भुजा होते हैं, सभी के सभी भुजा क्या होते हैं? बराबर होते हैं, सभी के सभी भुजा बराबर होते हैं। तो इसका एरिया क्या होता है बच्चों? इसका एरिया अगर देखें, एरिया क्या होगा? स्क्वायर का एरिया होता है 4a का, एक मिनट बच्चों, बस भुजा गुणे भुजा, मतलब ए स्क्वायर होता है। इसका एरिया ये होता है, इसका अगर हम देखें सर्कमफेरेंस, मतलब कि इसका परिमाप देखें क्या होता है, परिमाप जिसे हम कहते हैं, परिमाप क्या होता है? तो बस 4a कह देंगे, चार भुजा है, चारों भुजा को जोड़ देंगे। अब इसी आकृति को, स्क्वायर को जब मैं उठा दूंगा ना बच्चों, उसमें हाइट दे दूंगा ना, तो घन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? घन, जिसे हम कहते हैं कोन, CON नहीं कहते बेटा, कोन कहते हैं। तो एक कोन बन गया। अब इस कोन में भी 6 साइड हैं, 6 फेस हैं, और चोटी कितने हैं पूछा गया था आपके एग्जाम में, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 चोटियां हैं। संलग्न भुजा कितनी है? संलग्न भुजा कितनी है? 1 यहाँ पे है ना, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9 काउंट कर लेना। संलग्न भुजा जहाँ पे भुजाएं मिलती हों आपके, वह संलग्न भुजा कहलाता है। जहाँ पे कम से कम दो भुजाएं मिलती हों उसे संलग्न भुजा कहते हैं। एडजेसेंट साइड किसे कहते हैं? जहाँ पे कम से कम दो भुजाएं मिलती हों उसे एडजेसेंट साइड कहते हैं, ठीक है ना। कोर किसे कहते हैं? तो कोर यह होता है 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, 6, 7, 8, इस तरह काउंट करना। देखिए काउंट कर लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 के बाद 1, 7 के बाद 1, 8, 8 के बाद 9, 10, 11, 12 इसके कोर हैं बेटा, है ना। आ जाइए, इसका आयतन निकालना होगा क्योंकि सब साइड ए है। अगर हम देखें सारे साइड क्या है, मतलब ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई सब कुछ ए है, साइड बराबर है। जब साइड बराबर है यानी कि एच बराबर बी बराबर लेंथ बराबर ए है, तो बताओ आयतन कितना होगा? आयतन होता है, आयतन का फार्मूला होता है बेटा कि लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, जो भी चीज़ें आप लिख सकते हो लिख लो। तो ए इंटू ए इंटू ए बराबर ए क्यूब, जरूरी नहीं है ए ही रहे, तो समझ लेना साइड का पावर 3। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछा गया है, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कितने पृष्ठ हैं इसमें? संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछा गया तो कितने पृष्ठ हैं भैया इसमें? 6 पृष्ठ हैं, 6 इंटू कितने साइड हैं? 6 फेस हैं, और हर एक साइड में लंबाई गुणे चौड़ाई, ऊंचाई गुणे लंबाई और लंबाई गुणे चौड़ाई, यही तो है। तो ए का स्क्वायर यानी कि 6a² इसका संपूर्ण पृष्ठ का फार्मूला होगा। बताओ क्लियर है? अब आ जाइए घनाभ के ऊपर, इसको छाप लीजिएगा। घन हो गया, घनाभ के ऊपर चलते हैं। घनाभ देखिएगा, अगर आपसे कभी पूछ ले घनाभ क्या होता है तो पहले बताएंगे यह किससे बनता है भैया? आयत से बनता है। आयत में लंबाई अलग होता है, चौड़ाई अलग होता है, है ना। तो आयत का जो क्षेत्रफल होता है कितना होता है बता देंगे? बी गुड़े ए हो गया, मतलब साइड गुड़े साइड, लंबाई गुड़े चौड़ाई, ठीक है ना। और आयत का परिमाप कितना होता है? परिमाप कितना होता है तो बता देंगे भाई 2 गुड़े b+a होता है। इसी को अगर हाइट दे लेंगे, क्योंकि इसमें भी 90 डिग्री होता है, लेकिन इसमें जो डायगोनल होता है ना वो एक दूसरे को 90 डिग्री पर नहीं काटते हैं, याद रखना भाई। अगर इसको हम हाइट दे देना तो ये बन जाएगा घनाभ, जिसे हम कहते हैं क्यूबॉयड, इंग्लिश में कहते हैं क्यूबॉयड। क्या कहते हैं? क्यूबॉयड कहते हैं। इसमें लंबाई भी अलग होता है, चौड़ाई भी अलग होता है और ऊंचाई भी अलग होता है, सब अलग अलग होते हैं। तो इसका आयतन जो होता है बच्चों क्या होता है? आयतन क्या होता है? साइड गुड़े साइड यानी कि ए गुड़े बी गुड़े सी हो गया, ठीक है ना। इसका संपूर्ण पृष्ठ का फॉर्मूला क्या होता है? संपूर्ण पृष्ठ का फॉर्मूला क्या होता है तो बता देंगे 2 गुड़े a गुड़े b प्लस में बी गुड़े सी प्लस में सी गुड़े ए, ये होता है, ठीक है ना। क्लियर है चीज़ें? लिख लीजिए, नोट करिए।
नोट करिए, नोट करिए भाई, इसमें क्वेश्चन दिया है कि नहीं दिया है, क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन दिया हो तो क्वेश्चन एक दो कर लेते हैं, फिर इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं भैया, ठीक है ना। नहीं तो चलिए देख लेते हैं कितना समय हुआ है पहले, 45 मिनट हुआ है बच्चों। चलिए आज थोड़ा सा विलंब भी हो रहे हैं, है ना, तो कोई बात नहीं। और चलिए कोई बात नहीं, आज 45 मिनट का ही लेक्चर रखते हैं, कल फाइनली इसको ख़त्म कर किया जाएगा ना। चलिए कल इसको फाइनल ख़त्म किया जाएगा, 5 यानी कि 5 चैप्टर और हैं, और पांचों बहुत छोटे छोटे से हैं, ख़त्म हो जाएगा, मात्र 45-20 मिनट लगेगा, 45 या फिर 50 मिनट लगेगा, ख़त्म हो जाएगा कल। कल के बाद आपके परसों से साइंस स्टार्ट करेंगे, साइंस मैराथन बच्चों, ठीक है ना। आज के लिए इतना बहुत है, धन्यवाद आप सभी का।